फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट क्या था, आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे थे, क्या नहीं। तो मैसेज के थ्रू देखेंगे कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट क्या है। ओके, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर का लास्ट नाइट थॉट क्या है। यू डू थिंग्स मेक अ हैप्पी। ओके, दिख रहा है? ओके डियर, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड जो है, आई लव यू। वाओ, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं आई लव यू। नेक्स्ट कार्ड जो है डियर, कहीं ना कहीं यू आर माय लक। आपके पार्टनर आपको अपना लक मानते हैं। स्टेबिलिटी, यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, आपका साउंड जो है फ़ोन पर उन्हें बहुत सेक्सी लगता है। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ओके, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आप हमेशा उनके हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। यू मेक मी स्माइल, यू ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ। नेक्स्ट कार्ड है, यू आर अ स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, यू आर जीनियस, यू रिस्पेक्ट माय फैमिली। लास्ट कार्ड है, यू रिस्पेक्ट माय डिसीजन। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है डियर। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की बात करी जाए कि कल रात आपके पार्टनर के थॉट्स क्या थे, है ना, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। यहाँ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में आपको सोच के प्यार चल रहा था, बहुत प्यार था, बहुत लव था, बहुत फीलिंग्स थी, इतने जज्बात, इतने इमोशंस के आपसे शेयर करना चाहते थे, आपके प्यार में खोए हुए थे आपके पार्टनर। पूरी रात इनके माइंड में सिर्फ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ही चलता रहा। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप जो हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेके आए थे। आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपको अपना लक मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ गई है, एक लक उनके साथ में जुड़ गया है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनका लक हैं, यू आर माई लक, आपको अपना लक मानते हैं वो। और उनके साथ में जब से आप जुड़े हैं ना, तो उनका एक अच्छा समय शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा वो रातों को आपको लेके यही सोचते रहे पूरी रात। वो डियर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को मिस कर रहे थे। हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी आवाज़ जो है फ़ोन पर बहुत सेक्सी लगती है, तो आपके पार्टनर यही कह रहे थे कि यार काश उसका फ़ोन आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपकी आवाज़ को मिस कर रहे थे, बहुत सेक्सी ओवर, मतलब आप समझ लीजिए उस तरह का आपके पार्टनर का जो एनर्जी थी वो हो रही थी कहीं ना कहीं। यू आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प मी, आप उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा जो रेडी रहते हैं, हमेशा आप उनकी जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उस बारे में भी सोच रहे थे कि यार मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है इसने मुझे हेल्प की है, चाहे फाइनेंस के थ्रू करी हो, चाहे कोई मदद की ज़रूरत पड़ी हो डियर, लेकिन आप हमेशा रेडी रहते हैं अपने पार्टनर की हेल्प करने के लिए। और डियर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। वो ये बारे में भी सोच रहे थे कल रात कि आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कितने अच्छे हैं। ये चीज़ें उनके ध्यान में कल रात बहुत आ रही थी। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं आपके पार्टनर जो है ना, कहीं ना कहीं उनको लगता है यू आर जीनियस, आप जीनियस हैं डियर। वो आपको एक जीनियस की तरह देखते हैं, आपके पार्टनर के लिए आप एक जीनियस हैं। और आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपसे दिल बैठे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रू लव है डियर उनके अंदर। यू आर अ स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप इमोशंस में बह जाते हैं डियर। आपके पार्टनर जानते हैं कल रात ये भी सोच रहे थे कि आप स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, आप हर व्यवस्था को सही टाइम पर सही जगह पर हर काम कर लेते हैं, ये चीज़ उनको पता है। यू मेक मी स्माइल, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर
को आपको देख के बहुत ज़्यादा स्माइल आती है, बहुत ज़्यादा वो आपके साथ में खुश होते हैं। और डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की बात करी जाए तो और मैसेज निकालते हैं, मैसेज के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। डियर आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे कि आपका और उनका जो प्यार है वो बिल्कुल ट्रू लव है, आपके पार्टनर आपके साथ में बिल्कुल ट्रू लव करते हैं और आप भी उनसे वही प्यार करते हैं। एक सच्चा प्यार करने वाला उनको मिल गया है जो कहीं नहीं मिल सकता। आपके पार्टनर उस बारे में बहुत सोच रहे हैं डियर, अपने पास्ट को लेके ये परेशान है। हो सकता है आपके पार्टनर का पास्ट जो है वो बहुत ख़राब रहा हो, हो सकता है उसके कारण ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर कोई राइट डिसीजन लेने में ये पीछे हो जाते हैं, इस तरह का दिख रहा है डियर। एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, कल रात यही सोच रहे थे कि इनको डिसीजन लेना है, इनको एक्शन लेना है, पर डियर कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में रहता है जिसके कारण ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बाकी अगर अगर इनका जो कन्फ्यूज़न है वो हट जाए ना तो ये बैलेंस बना सकते हैं डियर। बस ये यही चाह रहे हैं, इनके और आपके बीच में जो दूरियाँ आ गई है, जो लॉन्ग डिस्टेंस आया है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये दूरियाँ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और बस ये दिन रात आपके सपने देखते हैं डियर, बहुत रात भर आपके सपने देखते हैं। पूरी रात तो ये आपको लेके ड्रीम्स सजा रहे थे, सपने सजा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनके इर्द गिर्द आप हैं और ये पार्टनर जो है ना आपके ही सपने देखे जा रहे थे। आपको लेके इन्होंने पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये अपने ही आप सोचते जा रहे थे। ऐसे कुछ हालात थे, ऐसी कुछ सिचुएशन थी जिसमें ये पार्टनर अकेले ही आपके साथ में बहुत सारी बातों को सोच रहे थे, बहुत सारे सपने देखे जा रहे थे आपके साथ में। फोकस पूरी रात इनका फोकस जो है डियर आपके ऊपर रहा है, आपके ऊपर इनका फोकस था और ये यही देखने की कोशिश कर रहे थे। बार बार इनके इमोशंस इतने हाई हो रहे थे, इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हाई हो रही थी, डीप फीलिंग्स जो हैं डियर इनकी वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, इनके इमोशंस ने बढ़ रहे थे कल रात ही, कि आप यकीन मानिए कि ये पार्टनर जो है रह नहीं पा रहे थे आपके बिना। अपनी विशेष को पूरा करना चाहते थे, इनकी इच्छा थी कि आप इनके पास आ जाएं, आप इनको इनके पास आकर इनसे मिलें। आपके पार्टनर की जो इच्छा थी ना वो यही थी कि आप इनसे मिलने, किसी तरह से मिलने वाली इच्छा इनके दिल में जाग रही थी। ये आपको अपनी विश में मांग रहे थे, कुछ विश मांगते हुए दिख रहे हैं डियर यहाँ पर आपके पार्टनर, और इन विश के थ्रू ये आपके जो पार्टनर है ना डियर आपको मांगते हुए दिख रहे थे। बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि गिव मी अ वन चांस, तो आपके पार्टनर एक चांस मांग रहे थे। हो सकता है इनसे कुछ गलती हो गई है या फिर इन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया था जिससे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया था, नो बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। पर डियर ये पर्सन जो है ना अभी इसी तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में आपने ब्लॉक किया है या आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है डियर, तो मैं बताऊं कि अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे थे। पूरी रात ये इसी चीज़ पर बिलीव कर रहे थे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, इनको ट्रस्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट इशू थे आप लोगों के रिश्ते में। तो पर डियर यहाँ पर दिख रहा है कि बिलीव है इन्हें कि आप आएंगे, किसी ना किसी तरह से आप आएंगे और ये पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए बहुत परेशान है डियर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको पता है कि ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कल रात ये यही बातों को सोच रहे थे कि ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ये आपसे इतनी दूरी जो आई है ना उसकी वजह कहीं इनका हो सकता है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे जो मूव ऑन हुए ना आपके पार्टनर, मूव ऑन जो हो गए हैं आपके पार्टनर, वो उसकी वजह यही चीज़ दिख रही है कि ये पार्टनर जो है कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी तो कल रात उस बारे में बहुत सोचा गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन डियर अब ये पार्टनर जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो आपको देंगे। लग रहा है कि आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि भाई मैंने अपने पार्टनर को खो दिया अपने गलत डिसीजन के कारण। तो कल रात इनके बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, क्वेश्चन डियर इनके सवालों में उलझे हुए थे कल रात, आप यकीन मानिए बहुत सवाल चल रहे थे। कभी आपके बारे में सोच रहे थे, कभी अपने बारे में सोच रहे थे, कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ इनकी फैमिली से गलती हुई, इस बारे में सोचते सोचते इन्होंने रात को इस तरह से बिता दिया कि इनको सुबह पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। तो बहुत सोचा
सोचा गया है, बहुत ओवर थिंकिंग की गई है आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे ऐसा ही लग रहा है। डियर यहाँ से भी ट्रू लव दिख रहा है, तो ये ट्रू लव का आने का मतलब है कि आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार है आप दोनों के बीच में, एक ट्रू लव है, बिल्कुल सच्चा प्यार। जितना प्यार आप उनसे करते हैं ना, उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं, स्वीट कम्युनिकेशन। तो डियर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो हैं आपसे स्वीट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पूरी रात यार वो आपके फ़ोटो देखते रहे, पूरी रात आपके बारे में सोचते रहे और आपसे बातें करने के बारे में सोचते रहे। न्यू चेंज, ओके डियर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू चेंज के साथ में ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी का बेटर पर्सन है, आपको अपनी ज़िंदगी का एक बेटर पर्सन मानते हैं आपके पार्टनर, और आपके साथ में ही आगे की लाइफ देखते हैं डियर, और देख भी रहे हैं 100%। देखिए बेटर और परफेक्ट, आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मानते हैं, अपनी लाइफ का एक परफेक्ट पार्टनर मानते हैं वो। कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर। डियर यहाँ पर पूरी रात जो देखा गया है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है मैसेज के थ्रू कि इनकी क्या एनर्जी थी। लास्ट मैसेज जो है वो है पॉजिटिव, तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, पर डियर पूरी रात ये आपको मिस करते रहे। इनके थॉट्स जो हैं, इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत इमोशनल हो रही थी, डीप फीलिंग्स इनकी हो रही थी। चलिए टैरो से भी देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं, चलिए देखते हैं टैरो से कि क्या आता है। तो फोकस करें अपने पार्टनर पर कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, ओके। तो चलिए पूरा फोकस आपके पार्टनर पे कीजिए, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा था आपके पार्टनर के दिल में कल रात, क्या था, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, ओके। चलिए शफलिंग हो गई है, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओ माई गॉड, डेविल का आना, आप समझ लीजिए डेविल का आना क्या बता रहा है भाई। हाँ, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं कि वो इस बंधन को बना लें, जो बंधन इनसे छूट गया ना। इन्होंने यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी करी थी, कुछ ऐसे हालात खड़े कर दिए थे दूसरों के कारण, किसी और के कारण, ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर ली थी आपके पार्टनर ने डियर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो पूरी रात ये यही सोच रहे थे कि भाई मैंने दूसरों की बातें क्यों सुनी, दूसरों की बातें सुनकर मैंने अपने इमोशन, अपने प्यार जो है, अपने जज्बातों का क्या कर लिया, वही चीज़। ओ माई गॉड, हरमिट आ गया भाई। अब आपके जो डिसीजन है उसको मैं बता देती हूँ, और यहाँ से देख लीजिए पूरी रात इनकी एनर्जी इसी तरह की रही है। टावर क्या है, टावर में गूंज रहे थे आपके पार्टनर, टावर में घूम रहे थे, टावर ही टावर इनकी लाइफ में चल रहा था, सैड एनर्जी चल रही थी डियर। कार्ड ने बता दिया कि कल रात ये आपके लिए पॉजिटिव सोच तो रहे थे, पर डियर रो भी रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। इनका दर्द, इनकी तकलीफ़ जो है इनसे सहन नहीं हो रही थी। आप मान लीजिए इनको क्या हो रहा था, इनको हो रहा था इमोशनल अत्याचार इनके जीवन पर, बहुत ज़्यादा ये परेशान होते हुए दिख रहे थे। नाइट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहे थे, अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पा रहे थे। एक तो हो रहा था इमोशंस इनको, ठीक है, डीप फीलिंग्स इनकी जाग रही थी, है ना, इनके अंदर जो डिज़ायर है, जो चीज़ें इन्हें चाहिए, वो चीज़ें इनको चाहिए थी। उसके बाद में यहाँ पर है डेविल, तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है एक तो इमोशंस इनके बहुत हाई हो रहे थे, ऊपर से अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ इतना हो रहा था कि कल रात ये आपके पार्टनर जो हैं बहुत कुछ सपने देखे जा रहे थे। मैंने बोला ना मैसेज हमारे पास में जो आए हैं, बहुत कुछ सपने देखे गए, बहुत सारे लव के बातें आपसे की गई है, ट्रू लव आपके साथ में शेयर करना चाह रहे थे, कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये पार्टनर रिश्ते पे काम करना चाह रहे थे, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाह रहे थे, अपना लव आपसे शेयर करना चाह रहे थे। जो जज्बात इनके दिल में जग रहे थे ना, जो जाग रहे थे लव वाले फीलिंग, जो प्यार होता है ना, वो आपसे शेयर करना चाहते थे। इनके दिल में एक मीठी मीठी सी स्वीट कम्युनिकेशन करने वाली बात आ रही थी, आपसे प्यारी प्यारी सी बातें आपसे करना चाह रहे थे। बिल्कुल आपको आपके पार्टनर जो हैं एक अट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे कल रात, और अकेले ही काफ़ी चीज़ें इन्होंने इमेजिन की है, बहुत सारी चीज़ें। और डियर कहीं खोने का डर इनको लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाय मैं खो ना दूँ मेरे पार्टनर को, मैंने बहुत वेट करा दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया, तो उस बारे में सोच रहे थे, फिजिकली होने के बारे में सोच रहे थे। और आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो रही थी कि ये आपको
फिज़िकली बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फिज़िकल इनको होना की इच्छा थी, या फिज़िकली आपसे सेक्सुअली आपके साथ में अटैच होना चाह रहे थे। इमोशंस तो इनके इतने हाई हो रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ने का जो दिख रहा है आप देख ही पा रहे हैं। पर डियर यहाँ पर हर्मिट आ गया है, बहुत इमोशंस के साथ में होने के साथ में, अट्रैक्शन होने के साथ में, पजेसिव होने के साथ साथ, काम करने के साथ साथ, इनका जो नेचर दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है बहुत धीमी गति के साथ में होगा। डियर यहाँ पर कछुए की चाल की तरह हर्मिट का कार्ड निकला है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच तो सब कुछ रहे थे, पर डियर आपकी तरफ बढ़ने के लिए अगर बात करूँ मैं तो डियर ये अभी वेट वाली एनर्जी में है, और अभी इन पे उनको खुद को काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की। चलिए इमेजेस निकालते हैं और इमेजेस के साथ करते हैं एंड इस वीडियो का। ओके डियर, वीडियो पसंद आया हो या गाइडेंस मिला हो या कोई लाइक करना हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा वीडियो, और जो मैसेज निकले थे वो बहुत अच्छे निकले थे आपके पार्टनर। मैंने कहा था ना उनको आपकी आवाज़ ही इतनी सेक्सी लग रही है फ़ोन पर, तो सोचिए कि वो आपको सोच के क्या इमेजिन कर रहे होंगे, क्या चल रहा होगा उनके माइंड में। डेविल आया है भाई, सेक्सुअल एनर्जी उनकी बहुत हाई हो रही थी, इमोशंस पे काबू रख पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, अच्छा है, उनके इमोशंस रात में बहुत हाई हो रहे थे ताकि कोई और उनके ख्वाबों में नहीं आ सके, आप ही आप थे डियर, किसी और की एंट्री नहीं हुई है आपके पार्टनर के दिल में, कोई भी नहीं था सिवाय आपके, सिवाय आपकी बातों के, सिवाय आपकी फ़ोटोज़ के, सिवाय आपके जो बातचीत होती है ना, बस उन्हीं को आपके पार्टनर जो है सोचे चले जा रहे थे, उस बारे में ही फील करे जा रहे थे, वो चीज़ दिख रही है। इमोशंस इनके बढ़ते चले जा रहे थे, प्यार करना चाह रहे थे, किसी तरह से अपना लव, अपना ट्रू लव आपको शेयर करना चाह रहे थे आपके पार्टनर, दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते थे, मीठी मीठी बातों में आपको बिठाल कर अपने पास में अपने दिल के जज्बात आपसे कहना चाह रहे थे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी है। मतलब इनकी फीलिंग्स जो है एक तरह से पूरी ट्रू 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 फीलिंग्स है हर तरह से। ओके डियर, तो यहाँ जो इमेजेस निकले हैं वो कुछ आपके लिए हो सकते हैं। डियर यहाँ पर फिर से वापस से 3 और 6 निकला है, पता नहीं इस नंबर का क्या है, चलिए कुछ खास होगा, 3 और 6 है ना। चलिए तो यहाँ जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो इमेजेस दिख रहे हैं आप देख सकते हैं डियर। ओके तो अगर वीडियो पसंद आया है, कोई गाइडेंस मिला है, अच्छी लगी है डियर, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, रोना धोना नहीं है डियर, हमेशा हैप्पी रहा कीजिए। ओके